अरब खबरों की तफसील। मेंढर के इलाके मांझरी में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक 23 साल नौजवान की लाश उनके आबाई मुकाम पर पहुंची, जो कि चंडीगढ़ में अपने अपार्टमेंट में पुरसरार हालात में मुर्दा पाया गया। अहले खाना के मुताबिक उमर शब्बीर बीटेक मुकम्मल करने के बाद एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। मुतवफ़ी की वालदा ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेटे को कत्ल किया गया। इस मामले की जांच करते हुए कसूरवारों को सजा दी जाए। उमर शब्बीर के अहल खाना और रिश्तेदारों ने भी जम्मू कश्मीर पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस से मामले की छानबीन करने की अपील की है। अल्लाह ते सर सड़ा कोई नहीं, गरीब गुरबे असा बढ़िया मेहनत नाल बच्चे ना इथे तक असा पहुंचाया, असा सुइयां चुनिया बच्चे इथे तक पहुंचाया। कातल खाली चाहिए, बस कातल जड़ा वह समझाना चाहिए। मेरा बेगुनाह बच्चा मी सुन, मैं अपना बेबच्चा दिसना सा, और मैं बच्चे अपने पर कोई यकीन बतबार ना हो, मैं बच्चे अंदरों बाहर नहीं सा जान देनी। अगर मैं बच्चे नहीं हो कोई सरनिया ख्याला दिसने देना, दो दिन पहले मैं बच्चे ही क्यों जान दिया कि जिथे चार साल चार पाँच महीने ऊपर होए बच्चे सुनेगी। तो अब उसके बाद हमने कुछ वेरिफिकेशन की तो वहाँ उन्होंने बोला कि इसने जी कहीं खुदकशी की है या क्या किया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उसने खुदकशी की हो, क्योंकि वो आया दो दिन पहले आया, अपनी माँ का इलाज करवाया और खुशबाश वो वापस गया, और दो दिन के बाद उसका वहाँ पर बेहरे में ना जो है वो मर्डर किया गया। हम ये इंसाफ चाहते हैं गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट और यूटी जम्मू कश्मीर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बच्ची को इंसाफ दिया जाए, इस गरीब फैमिली को इंसाफ दिया जाए, और इस बच्चे की जो मर्डर की पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर तरीके से, इंसाफ के तरीके से और ईमानदारी के तरीके से हो, कि ये लोग अपने बच्चों को वहाँ पर एजुकेशन ना दिलवा सके। या तो हमें क्लियर कर दे चंडीगढ़ गवर्नमेंट कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम आपको इंसाफ नहीं दे सकते, हम आपकी जानों का तहफ्फुज नहीं कर सकते। अगर चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने राजौरी के कत्ल की छानबीन प्रॉपर तरीके से की होती आज ये कत्ल ना होता, कपवाड़ा की छानबीन प्रॉपर तरीके से हुई होती तो आज ये कत्ल ना होता। आज विश्वास जो उठता जा रहा है कानून से, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। हमें इंसाफ चाहिए, जो भी कातिल था जो भी था तो उसको सामने लाया जाए। जो मर्डर है ब्लाइंड मर्डर है सर, इन केस प्री प्लान्ड भी हो सकता है कि उसको मर्डर किया गया है, तो हम जितना जल्द हो सके सर यही चाहते हैं कि उसका इंसाफ, उसका जो कातिल है उसको सामने लाया जाए, उसका जो समझ सकते हैं या आप लोग भी समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा हमारे लिए सदमा है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इंसाफ चाहते हैं अपने पंजाब पुलिस से भी और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू से। उधमपुर में शदीद बारिश के बावजूद विमेंस ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल रैली को आज हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड उधमपुर के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आनंदीय सेन गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर करगिल वॉर मेमोरियल की तरफ रवाना किया। ये टीम करगिल जंग में मुसल्ला अफवाज की फैसला कुल फतेह का जश्न मनाएगी और कौम की खिदमत में अजीम कुर्बानी देने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश करेगी। खवातीन की मोटरसाइकिल रैली को फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने 18 जुलाई को नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया था। पुंछ जिले के मेंढर में एक सड़क हादसा पेश आया। नाके के इलाके में एक टिपर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में टिपर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। छः बजे SHO गुस्साई ने फ़ोन किया कि एक टिपर एक्सीडेंट हो गया है नक्का मंजाड़ी एरिया में और उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं, लिहाजा हेल्प के लिए अपनी एम्बुलेंस भेजो। तो हमने यहाँ से एम्बुलेंस भेजी और वहाँ लोकल एम्बुलेंस को भी हमने अपने एक्शन में लाया। दोनों एम्बुलेंस पहुँच गई वहाँ पर, पुलिस ने, लोकल लोगों ने और हमारे स्टाफ ने भी उसमें रेस्क्यू में बहुत कोशिश की, मगर ये था कि गाड़ी के पीछे ओवरलोडेड थी बहुत, उसमें वो बजरी वगैरह ऐसा था तो उसको निकालते हुए काफ़ी टाइम लगा, जिससे बंदे की ऑन स्पॉट लगता है कि डेथ ही हो गई। और वो डेड बॉडी हमने एम्बुलेंस भेज के शिफ्ट किया, उसका अभी पोस्टमार्टम कर दिया और पोस्टमार्टम करके हम डेड बॉडी पुलिस को हैंड ओवर कर रहे हैं फॉर फर्दर राइट्स।